अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब जी? तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? हस्बैंड ने दिया मुझे प्यारा सा एक सरप्राइज़ और हम जा रहे हैं वेकेशन पे 2 डेज़ के लिए। और कहाँ जा रहे हैं आगे चल के आपको बताते हैं। अभी चलिए हमारे साथ इंजॉय कीजिए। अपने हस्बैंड से की थी फरमाइश क्योंकि मैं अपने ही घर से बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कहीं जाते हैं स्टे पे। तो रिज़ॉर्ट उन्होंने लिया और वहाँ पे हम लोगों ने 2 डेज़ का स्टे किया। इसका नेम है रेक्सेस बाबुल बहार और यहाँ पे जो है काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, सो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी। चल के मैं आपको पूरा टूर करवाने वाली हूँ, तो रहिएगा मेरे साथ और बिल्कुल इधर उधर आपने ही नहीं होना क्योंकि आपको मैं अपने साथ इंजॉय करवाने वाली हूँ। तो यहाँ अभी हम अंदर जा रहे हैं, इंटर हो रहे हैं। यहाँ से हम निकले थे बहुत ही जल्दी, सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे क्योंकि जी 2 डेज़ का स्टे था। सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल था, बट मैं उठ गई थी और जल्दी से मैं हो गई थी रेडी और जल्दी से मैंने खुद को रेडी किया, फिर मैंने बच्चों को रेडी किया और हम निकल गए। और तकरीबन हम लोग वहाँ पहुँच गए थे 11 o'clock हम लोग वहाँ पहुँच गए। हाँ, हो गए थे हम चेक इन और सबसे पहले बहुत ज़्यादा बच्चों को एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या क्या है अंदर, क्या बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। और अली मोहद्दिस तो सबसे ज़्यादा स्विमिंग पूल के लिए रेडी होते हैं जनाब, क्योंकि स्विमिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा इनको क्रेज़ है। बस दिल करता है कि हर वक्त बस स्विमिंग ही करता रहना, तो इसको बहुत ज़्यादा बस यही था। लेकिन हमको लग रही थी भूख हम सबको लग रही थी भूख, और क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं किया था तो सोचा चलें जल्दी से पहले खाना खाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं रूम में जाके और उसके बाद जाएंगे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। और यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पूरी इन्होंने लिस्ट लगाई हुई है, चेक कर लीजिए आप भी क्यों कौन सा शो कहाँ पे होने वाला है। तो जल्दी से आप भी चेक कर लीजिए और मैं भी देखती हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जनाब। शो, लेज़र शो, किड्स शो और स्विमिंग, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे थे जनाब। बट हम लोगों ने काफ़ी कुछ मिस कर दिया था क्योंकि बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा पंचुअल नहीं हो सकते हैं। एक ही जगह पे जाए ना तो वहीं पे इनका दिल लग जाता है, तो फिर बाहर निकलने का इनको दिल नहीं लगता। सो बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप हैं दुबई में तो आपने यहाँ ज़रूर विज़िट करना है जी। तो आप इसके चार्जेस की बात करते हैं कि रूम स्टे की क्या चार्जेस हैं 1 डे के लिए ना, तो कपल के लिए अगर हम जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड है और 2 किड्स हैं आपके साथ, तो आपको 900 से स्टार्ट होता है। फिर लग्जरियस रूम जो भी आपने लेना है 912 इससे ऊपर जाते जाएंगे, बट स्टार्टिंग जो है वो 900 है कपल के लिए 1 रूम और 1 डे का स्टे। तो अगर आपने जितने भी दिन स्टे करना है आप कर सकते हैं और जितना आपका बजट है उसमें आप अवेल कर सकते हैं ये ऑफ़र। है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, जिन लोगों का बजट कम है वो कम में भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसमें ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी, जैसे कि बच्चों की एक्टिविटीज़ की और शोज़ और सब चीज़ें आपको यहाँ पे, हत्ता कि खाना भी आपको फ्री मिलेगा। जैसे कि अब आप किसी और पार्क में जाते हैं, बात करते हैं अटलांटिस की, वहाँ पर जाएँ तो आपको हर चीज़ की पेमेंट अलग से करनी पड़ती है, पहले टिकट्स अलग से बाय करो तो वो भी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट यहाँ पर अगर आप बस रूम के चार्जेस पे करते हैं, जैसे कि आप किसी भी जगह स्टे करते हैं तो आजकल तो यही रेट चल रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड रूम आप लेंगे और उसके साथ आपको सब चीज़ें फ्री मिलेंगी, आपको खाना पीना फ्री मिलेगा, कहीं भी आप जाते हैं किसी भी एरिया में जाते हैं अंदर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। और यहाँ पे जनाब मैं थोड़ा सा स्टाइल कर रही हूँ और उसके बाद जी में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बहुत वैरायटी है जनाब खाने की, आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। बट जनाब पाकिस्तानी खाना यहाँ भूल जाए, पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ पे नहीं है। तुर्किश नाइट थी यहाँ पे और लंच में हम लोग यहाँ पे लंच के टाइम पहुँचे थे, तो लंच में हमने क्या क्या लिया आपको आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ से मैं आपको पूरा विज़िट भी करवाती चलूँ कि इनके पास क्या क्या। आ जाइए मेरे साथ, आप लंच एंजॉय कीजिए यहाँ पे जनाब, क्योंकि आपको मैं क्या बताऊं, 5 स्टार से स्टार जो होटल होते हैं वहाँ पे, रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे, इस तरह की बहुत क्योंकि बाहर से कंट्री से हर जगह से लोग आ रहे होते हैं। क्या है कि तुर्किश डे था, तुर्किश नाइट थी, तो तुर्किश पूरा मतलब पाकिस्तानी इंडियन लोग बहुत कम आते हैं, आपको खाना मिलेगा बिल्कुल फीका फीका आपको खाना मिलेगा।
तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनका कब से दिल था कि मैं उनके साथ कुछ इस किस्म का ट्राई करूं जो कि इटालियन तुर्किश और पता नहीं क्या क्या वो मुझे बोलते हैं कि खाओ, बट मुझे पाकिस्तान से इतना प्यार है ना, क्या करूं, मुझे पाकिस्तानी डिशेस बहुत पसंद हैं। तो मैं जहाँ जाती हूं, अगर मैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट भी जाती हूं, तो मैं ढूंढती हूं पाकिस्तानी खाने ना, तो यहां मैं वही ढूंढ रही हूं कि कुछ मुझे पाकिस्तानी टाइप मिले, कुछ साइका तो आए। यहां तो बहुत ही फीका फीका अजीब किस्म का। अच्छा, यहां पे ये फ्रेश ब्रेड बना रहे थे, आपको कुछ भी तुर्किश कुछ भी चाहिए, आपको कोई भी ब्रेड चाहिए ना तो आपको फ्रेश ब्रेड बना के देंगे आपके सामने। और इस तरफ जो है ये स्वीट्स रखी हुई है। मैं पहले पूरा टूर करी थी कि क्या क्या है और आप सबके लिए भी रिकॉर्ड करी थी साथ साथ, और अली मोदीस ने जाते साथ जी स्वीट पे किया हमला और उसको जो है स्वीट अच्छी लगी थी तो उसने कहा मुझे ये वाली खानी है स्वीट। तो पहले हम जी मुझे ये खाना मिला और इस खाने को देख के, खाने से पहले ही मैं जो है रज गई थी, मतलब मेरा पेट फुल हो गया देखते साथ ही इसको। और मैंने सोचा कि ये वेजिटेबल राइस होंगे तो कुछ मज़े का होगा, बट बिल्कुल जी फीका था खाना, और साथ स्टेक और साथ फिश, पूरी पूरी फिश। बस ये ऐसी सजावट के लिए होती हैं चीज़ें, हम जैसे लोगों के लिए नहीं होती। तो मेरे हस्बैंड ने ये मेरे लिए प्लेट सजा के लाई थी बड़ी के ये तुम खाओ, तो मैंने जी इसको बस दूर से देखा और इन्जॉय किया। और साथ जूसेस थे, आपको जितनी दफ़ा चाहिए ना जूस कुछ भी चाहिए होगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आराम से, कोई रिलैक्स होकर आप खाएँ। लेकिन वही बात है कि आपको ऐसा खाना एक दफ़ा में ही, पहली दफ़ा में ही आप जो है ना फुल हो जाते हैं, आपको दूसरी दफ़ा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने रिलैक्स होना था, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने जाना था एक्टिविटीज़ वाली तरफ, क्योंकि शो के टाइमिंग फिक्स होंगे। सो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से रूम में जाइए और जाके जो है रिलैक्स होने के बाद हम लोग निकले। और रूम जो है हमें काफ़ी दूर जाके मिला था, और आपको मैं आज अपना पूरा सफ़र दिखाने वाली हूँ। सो मेरे साथ रहिएगा, और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग भी इसी के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि एक ही व्लॉग में बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी। सो नेक्स्ट व्लॉग में भी मैं आपको, अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो ज़रूर दिखाऊँगी। अभी तो जी हम खाना खाने से रूम तक का सफ़र आपको दिखाते हैं कि कैसे तय हुआ और क्या क्या किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, सारा मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। और हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी मुझसे आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, और जो भी आपको कोई क्वेश्चन होगा उसका ज़रूर आंसर दूंगी। सो रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड।